के इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे वीडियो इन टेक्स्ट इफेक्ट के बारे में, मतलब किस प्रकार से हम एक वीडियो को टेक्स्ट के अंदर प्लेस कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो इसके लिए आप कोई भी दो वीडियो क्लिप्स इंपोर्ट कर लीजिए प्रीमियर प्रो में, और इसके बाद में हम बनाते हैं सीक्वेंस। तो सीक्वेंस के लिए हम फाइल मेनू में जाते हैं, न्यू और सीक्वेंस। तो सीक्वेंस आप अपने हिसाब से कोई भी बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 1080 पिक्सल में 25 फ्रेम्स के लिए ये एक सीक्वेंस बना लेता हूँ। सीक्वेंस में अब आपको ये जो दोनों वीडियो है इनको इस प्रकार से डाल लेना है। दोनों वीडियो की लेंथ को हम बराबर कर देते हैं। अब हम टाइप टूल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इस प्रकार से कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो एक ग्राफिक ट्रैक बन जाता है। इस ग्राफिक ट्रैक को भी हम वीडियो ट्रैक के बराबर में कर देते हैं। अब यहाँ पे आप कोई भी एक टेक्स्ट टाइप कर लीजिए। अब इस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करते हैं और ग्राफिक्स पैनल को ओपन करते हैं। ग्राफिक्स पैनल में हम इस टेक्स्ट को मॉडिफाई करते हैं। यहाँ से आप कोई भी एक फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉन्ट आपको बोल्ड फॉन्ट लेना है। कैप्स लॉक, यहां से हम इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज करेंगे। यहां से हम इसको सेंटर में अलाइन करेंगे। अब हम इफेक्ट्स पैनल को ओपन करते हैं। इफेक्ट्स पैनल में हमको इफेक्ट सर्च करना है ट्रैक मैच की। तो यहाँ पे हम वीडियो इफेक्ट्स के अंडर की इंग फोल्डर में ट्रैक मैट की ये इफेक्ट देख पा रहे हैं। इसको सेलेक्ट करके इस प्रकार से ये जो सेकंड वीडियो ट्रैक है उस पर ड्रॉप कर देते हैं। इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल में इससे संबंधित ऑप्शन हमको दिखाई देने लग जाते हैं। तो यहाँ पे हमको ये जो मैट ऑप्शन है इसमें नन की बजाय वीडियो 3 को सिलेक्ट करना है। तो इससे ये जो वीडियो है वो इसकी थ्रू दिखने लग जाएगा इस प्रकार। आप चाहें तो इसे रिवर्स भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो रिवर्स का ऑप्शन है इसको अगर आप ऑन करते हैं तो इस प्रकार से वीडियो वाइस वर्सा हो जाएगी। इसको हम फिलहाल ऑफ कर देते हैं। अब हम ये जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को थोड़ा अट्रैक्टिव लुक देते हैं। तो इसके लिए हम इसकी एक कॉपी बना लेते हैं। एल्ट बटन प्रेस करके आप इसे ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो इसकी एक कॉपी बन जाएगी इस प्रकार से। इसको हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे इस बार हम ये जो फिल ऑप्शन है इसको करते हैं ऑफ और स्ट्रोक ऑप्शन को करते हैं ऑन। स्ट्रोक की वैल्यू को हम 3% सेलेक्ट करते हैं तो इस प्रकार से ये दिखाई देने लग जाएगा। अगर आप टेक्स्ट के थ्रू जो वीडियो दिखाई दे रहा है उससे सेटिस्फाई नहीं है, यानी कि आप टेक्स्ट के अंदर वीडियो का ऊपर वाला हिस्सा या नीचे वाला हिस्सा दिखाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि पहले तो आपको ये जो टेक्स्ट लेयर है इसको सेलेक्ट करना है। जो टेक्स्ट के अंदर वीडियो दिखाई दे रहा है उसको इस प्रकार से मूव कर सकते हैं। जैसे ये नीचे वाला हिस्सा आप यहाँ से दिखा सकते हैं, ऊपर वाला आप इस प्रकार से इसकी वैल्यू को मूव करके दिखा सकते हैं, या लेफ्ट राइट में भी आप इसको इस प्रकार से एडजस्ट कर सकते हैं। अब टेक्स्ट ट्रैक में एडजस्टमेंट कर लेने के बाद में आपको फिर से वीडियो ट्रैक को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको
वापस उसी जगह इसको प्लेस कर देना है जहाँ पे आपकी ये टेक्स्ट की स्ट्रोक दिखाई दे रही है इस प्रकार से। तो आपको याद रखना है पहले टेक्स्ट लेयर को सेलेक्ट करके लोकेशन को रिलोकेट करना है और फिर वापस वीडियो ट्रैक को सेलेक्ट करके उसी पोजीशन पे ले आना है। तो इस प्रकार से जो एरिया आपने टेक्स्ट लेयर पे सेलेक्ट करके मूव किया है वीडियो लेयर पे, तो वो हिस्सा आपको टेक्स्ट के थ्रू दिखाई देने लग जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये वीडियो एंड टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।